हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपनी बैल्कनी गार्डन को डेकोरेट करने के लिए कुछ डीआईवाई आइटम्स। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट डीआईवाई मैं बनाने वाली हूँ एक वॉल हैंगिंग, जो कि मैं अपनी बालकनी में उसको हैंग करूँगी। मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं 2 वुडन प्लैंक्स। आप किसी भी साइज़ के पतले मोटे प्लाई या बोर्ड कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा हों। उनको पहले आप अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर लेना। क्लीन करने के बाद उसके ऊपर अप्लाई करेंगे चॉक पेंट, ताकि जो हमारी वुडन प्लैंक है उसको एक अच्छा सा बेस कोट मिल जाए। जब चॉक पेंट अच्छे से सूख जाएगा तो उसके ऊपर मैं एक वुडन प्लैंक के ऊपर रेड एक्रेलिक कलर को अप्लाई कर दूंगी स्पंज की हेल्प से, ताकि जो हमारा कलर है वो बहुत ज़्यादा भी यूज़ ना हो। और सेकेंड जो वुडन प्लैंक है उसके ऊपर मैं येलो एक्रेलिक कलर अप्लाई कर दूंगी। अब इन दोनों को हम अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब कलर ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट लिखने वाली हूँ, जो कि मेरे गार्डन से रिलेटेड ही है। इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं सारे ही एक्रेलिक कलर्स। एक्रेलिक कलर से कोट लिखेंगे, और इसके लिए आप जो राउंड ब्रशेज़ आते हैं, फाइन लाइनर ब्रशेज़, वो ले सकते हैं, ताकि जो भी कोट लिखे हम वो एक परफेक्ट क्लीन लुक में आए। इसके ऊपर हम 2 कोट्स अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा आर्ट वर्क है वो दूर से अच्छे से दिखाई दे। मैंने अभी यहाँ पर कोट को अच्छे से लिख लिया है। अभी यहाँ पर मैं पेंसिल से कुछ आर्टवर्क ड्रॉ करने वाली हूँ, बाद में मैं उसके ऊपर एक्रेलिक कलर से उसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर बेसिकली मैं एक बेंच बना रही हूँ। बेंच को मैं ब्राउन कलर से पेंट कर दूँगी, और उसके साइड पर मैं एक बड़ा सा ट्री बना दूँगी, और बाद में मैं उसको अच्छे से कलर कर दूँगी, ताकि हमारी एक गार्डन वाली लुक आ जाए। आप ये वाली वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पर 3 to 4 DIYs शेयर किए हैं, जिससे कि हम अपनी बैल्कनी गार्डन को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन यूज़ करेंगे, ताकि एक जो हम जो ट्री ड्रॉ कर रहे हैं उसकी एक रियलिस्टिक लुक आए। अभी पिंक कलर से मैं कुछ फ्लावर्स ड्रॉ कर दूंगी, जिससे कि हमारे ट्री का लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अभी यहाँ पर 3D कोन लाइनर ले रही हूँ, और उससे मैं कुछ वर्ड्स जो मैंने कोट के हैं उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी, ताकि वो दूर से भी दिखे और हमारा जो कोट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे।
सकते हैं कि ड्राई अप होने के बाद ऐसा लग रहा है। अभी यहाँ पर इसको मैं हैंग करने के लिए ग्लू गन लूँगी और पीछे से मैं एक जूट रोप बोल सकते हो या मैक्रमे रोप जो है मैं उससे इसको स्टिक कर दूँगी ताकि ये हैंगिंग वॉल हैंगिंग बन जाए। तो अभी यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है। अभी हम अपने आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैल्कनी गार्डन में हैंग किया हुआ कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और चलिए फटाफट से सेकंड DIY बनाते हैं। सेकेंड DIY को बनाने के लिए हमारे पास कोई भी जो प्लास्टिक का कंटेनर हो, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा, वो लिया है मैंने। बेसिकली मैंने जो चॉपर का बेस है मैंने वो लिया है, मेरे पास वो एक्स्ट्रा पड़ा था। और उसके ऊपर मैंने सारी ही आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं वो स्टिक कर दी हैं। आप देख सकते हैं आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ किया है। ग्लू गन की हेल्प से हम सब स्टिक्स को स्टिक कर देंगे उसी बॉक्स की शेप के अकॉर्डिंग। और जब वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा तब उसके ऊपर मैं अपना थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दूंगी। आइसक्रीम स्टिक्स को स्टिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक कुछ ऐसे आ रही है। तो चलिए फटाफट से अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए अगेन मैंने यूज़ किए हैं एक्रेलिक कलर्स और इसके ऊपर मैं छोटा सा कोट लिख रही हूँ, लेट मी ग्रो। और लिखने के बाद उसके अराउंड मैं थोड़े से फ्लावर्स ड्रॉ कर दूँगी, थोड़े से लीव्स ड्रॉ कर दूँगी और फिर ये है जो हमारा एक ब्यूटीफुल सा प्लांटर रेडी हो जाएगा। अभी आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांटर रेडी हो गया है। आप चाहे इसको इंडोर रखें अपने घर में, चाहे आप इसको बैल्कनी में रखें, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है और आपका फ्री में एक प्लांटर रेडी हो गया है। आपको मेरा आज का फर्स्ट और सेकेंड DIY कैसा लगा उसके लिए लाइक ज़रूर करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स लिख के ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर लेटेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज़। अब इसके अंदर हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये प्लांटर है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही यूनिक लग रहा है। बैल्कनी में रखा हुआ तो ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। और चलिए फटाफट से थर्ड DIY बनाते हैं। थर्ड DIY को बनाने के लिए मैंने एक अनब्रेकेबल डिनर प्लेट ली है जो हमारे पास घर में सबके घरों में ही अवेलेबल होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल प्लेट ले सकते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्लेट को लेके उसके ऊपर अच्छे से चॉक पेंट अप्लाई कर देना है या फिर आप जैसो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर
मिक्स मीडिया कलर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इस कलर का पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, और प्लेट पर आपको इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। जब ये अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ड्राई हो जाएगा तब इसके ऊपर एक हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेटिव वॉल आर्ट का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है, उसकी हेल्प से मैं एक छोटा सा कोट लिख रही हूँ, और जब वो कोट अच्छे से लिख लूँगी तब मैं इसके अराउंड बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर का पैटर्न ड्रॉ करूँगी, ताकि जो हमारी बालकनी है उसमें फ्लावर्स की लुक आए और हमारी बालकनी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स वाली लुक दे। अभी फ्लोरल पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट क्रेली कलर्स ले लिए हैं और कुछ ब्रशेस लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके मैंने डिफरेंट फ्लावर्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप किसी भी शेप का फ्लावर किसी भी कलर को यूज़ करके बना सकते हैं। आपको मिक्स एक फ्लोरल पैटर्न ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर राउंड ब्रश लेके एक रोज़ फ्लावर ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ पर येलो कलर के फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। आप देख सकते हैं कि इस कलर के ऊपर, बेस कलर के ऊपर ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉप आउट होके आ रहा है। तो आपको ऐसे ही डिफरेंट ब्रशेस यूज़ करने हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं, और एक फ्लोरल पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। प्लेट के अराउंड आपको पूरा फ्लोरल पैटर्न ड्रॉ कर लेना है, ताकि जो हमारा कोट बीच में लिखा हुआ है बस एक वही निकल के आए, और बाकी जो हमारी प्लेट की अराउंड जो एरिया है वो पूरा फ्लोरल लुक दे। इससे क्या होगा, हमारी बालकनी में इस हैंगिंग को रखा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। अभी यहाँ पर ग्रीन कलर को यूज़ करके हम बहुत सारे लीव्स और स्टेम्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट ग्रीन शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और एक ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। जहाँ पर आपको लगे कि कलर बहुत अच्छे से नहीं निकल के आया है, वहाँ पर आप सेकंड कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक ब्यूटीफुल सा फ्लोरल पैटर्न है वो बनकर रेडी हो गया है। बस अभी थोड़ी सी डिटेलिंग को ऐड कर देंगे, और बाद में इस आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करेंगे हम वार्निश की हेल्प से, और हमारा एक ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गया है, रेडी हो जाएगा। आपको मेरा आज का थर्ड DIY कैसा लगा हो, उसके लिए भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट मेरे चैनल पर आपको कैसे क्राफ्ट चाहिए, कैसे आर्ट एंड आइडियाज़ चाहिए, ताकि मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकूं। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पर DM किया है, मुझे यूट्यूब पर भी मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मैं सारे कॉमेंट्स को रीड आउट करती हूँ। आर्टवर्क को प्रोटेक्ट कर लेंगे, और बाद में इस वॉल प्लेट के पीछे हम एक जूट रोप लगा देंगे, ताकि जो हमारी प्लेट है उसको हैंग करने के लिए भी एक हैंगर बन जाए, और फिर इसको बालकनी में फिक्स कर देंगे।
आप थर्ड DIY का फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये बहुत ही कलरफुल, बहुत ही पॉपिंग, बहुत ही ब्राइट कलर दे रहा है हमारी बैल्कनी को, अगर जब हम इसको बैल्कनी में टांगेंगे। और आपको मेरे आज के DIYs कैसे लगे हों उसके लिए आपको पता ही है कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है। और अगर आपने कभी भी मेरे चैनल से इंस्पायर होकर कुछ क्रिएट किया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर टैग कीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, फेसबुक में, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मेरे तीनों के तीनों DIYs देखिए, अपने घर पर भी क्रिएट कीजिए और मेरे साथ टैग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।